ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ फ्रेश वे फूड्स के तावन से आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और ये सफ़र जारी व सारी है। यकुम रमज़ान से हम आज भी आपके साथ मौजूद हैं। 29वां ये रोज़ा है और कुछ ही देर के बाद ये फैसला होगा कि आया आज जो है वो हम एक और सहरी करने वाले हैं या फिर आज जो है वो चांद रात होने वाली है। तो मेरा ख्याल है ईद की तैयारियां जो है वो ज़रूर पहले से हो जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ अनाउंसमेंट जो है वो देर से भी हो जाया करती है कि जब आप सहरी के लिए दही जमा के रख देते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि नहीं, हमें तो सुबह शीर खुरमा बनाना है। तो बहरहाल खुश आमदेद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं और कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस चीज से एक दफा एक लगाव हो गया। देखिए जो मेहमान है उसने आना है और उसने जाना है, जब वो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार थोड़ी सी देर और रुक जाए। तो ये ईद की खुशियाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो आप मतलब कुछ किसी इम्तिहान की तैयारी करते हो या कोई इम्तिहान देते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। सही। तो ईद जो है वो एक तरह से मेरे नज़दीक रिजल्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान के पूरे रोजे रखे, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। तो जितने भी सुन रहे हैं मुझे, जितने भी लोग मैं सुन रही कि आप लोगों ने रमज़ान गुजार लिया, इसके बाद भी कोशिश करें कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में यही चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ आपने ये नहीं करना है कि अच्छा फिर ये चीज़ होती है कि आपने खाना नहीं खाना, सही, खाना आप रेगुलरली खाएं, लेकिन जो मेन जो मकसद है ना रमज़ान का वो यही कि आपने नमाजें पढ़नी है। बिल्कुल, बहुत प्यारा मैसेज। लोगों के साथ मियाना रवि इख्तियार करनी है, अदलो इंसाफ करना है। तो कोशिश करें कि आप पूरा साल ही रमज़ान की तरह गुजारें। बिल्कुल, तो ये बेहतर हमारे लिए भी उम्मत-ए-मुस्लिमा। सही। और फहद जैसा कि हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है ना तो आपके घर मेहमान भेजता है, और जब मेहमान आता है तो वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है, और जब जाता है तो आपके घर से सारी परेशानियाँ सारे दुख दर्द इवन ये कि हशरातुल अर्ज तक ले जाता है। एक रिवायत भी है उसको हम फिर कभी शेयर करेंगे क्योंकि वक्त की भी कमी है। तो अब जो है हम आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे कि क्या आज हमें सुना रहे हैं। ये कलाम बेसिकली दुआया कलाम है। जी जी। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो दिल में जो भी है ना इस कलाम के दौरान जी जी वो आप दुआएं मांगें, क्योंकि आज आखिरी में भी हो सकता है कि आज आखिरी ललितुल जायजा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जायजा जात अल्लाह पाक कबूल करे। मैं के बेबुकतो बे चलाया हूँ और मैं के बेवकतो और आज हूँ मैं तेरा दहली
तेरा दहलीज नशीन, आज मैं अर्श का हम क्या बात माशा तेरी महफिल में चलाया हूँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और ये कहीं खामिये पलट आया हूँ मैं मदीने से, पलट आया हूँ तेरी महफिल चलाया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दुआया कलाम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। फहद, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और वक्तन फवक्तन हम आपको बिल्कुल जहमत देते रहेंगे फ्रीडम न्यूज़ पर, और फ्रीडम न्यूज़ और आपका रिश्ता पुराना है, तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इंशाल्लाह फिर किसी नशस्त में मुलाकात होगी। जनाब, रमज़ान मुबारक, ज़ौक़ रमज़ान और इफ्तार ट्रांसमिशन अब अपने अख्तिताम की जानिब गामज़न है। जैसे कि आज है 29वां रोज़ा और 29वीं सहरी हम इख्तियार कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों के दिनों में जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको प्यास भी बहुत महसूस होती है, और ये चीज़ जो है वो अक्सर होता है कि गर्मियों के मौसम में हमें प्यास ज़्यादा महसूस होती है, और रमज़ान के बाद बहुत सारे लोग शव्वाल के भी रोज़े रखते हैं। तो इसके लिए मैं छोटी सी टिप आपको बता रही हूँ कि सहरी में अगर आप दही रोटी का इस्तेमाल करें और उसके बाद इलायची का कहवा पी लें तो आपको सारे दिन जो है वो प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही मौजूद नाज़रीन, उरूज नाज निज़ामी भी आपसे चाहेगी इजाज़त, और आज है 29 रमज़ान, और हो सकता है कि ज़ौक़ रमज़ान की आज आखिरी ये ट्रांसमिशन है, तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान का जो एसेंस हमें हासिल हुआ उसको पूरे साल तक आप जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिएगा, और इस पूरी ट्रांसमिशन में जो कि फ़र्स्ट ऑफ रमज़ान से आज तक थी, अगर इसमें कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये समझूंगी कि मेरे ये ट्रांसमिशन करने का मकसद शुरू हो गया। हमारी टीम के बहुत सारे लोग जो कि इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ दे रहे होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिर्ज़ा हुमायूं, और साथ ही शनियार भाई, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उस्मान भाई हमारे कैमरामैन, उसामा भाई का बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोगों ने पूरे रमज़ान जितनी मोहब्बत से, जितनी मेहनत के साथ ही ट्रांसमिशन की मेरे साथ, आप तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अजर व सवाब दे और इस कोशिश और इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। तो जितना हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान होगा उतना ही ज़्यादा हमें जो है अजर व सवाब मिलेगा। इसी अच्छी सी बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि कल हम फिर आपसे मिले, लेकिन अगर आज आखिरी रोज़ा है तो आपको ईद की एडवांस बहुत बहुत मुबारकबाद। उरूज नाज निज़ामी को ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।
रमजान।